हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मास्टर में। दोस्तों आज की वीडियो है फॉन्ट स्टाइल के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताएंगे अलग अलग तरह के फॉन्ट स्टाइल कैसे आप अपने फ़ोन में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको फ़ोन में इनबिल्ट मिल जाती है थीम स्टोर के थ्रू, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टाइलिश फॉन्ट है वो पेड है। तो मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बताऊंगा जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो कितने तरह के फॉन्ट स्टाइल है, वो भी कलरफुल, एक से एक फॉन्ट स्टाइल। अगर आप ये थीम स्टोर में देखेंगे तो ये सारे आपको पेड मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊँगा ये कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितने तरह के फॉन्ट स्टाइल है, तो बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही नए नए तरह के फॉन्ट स्टाइल आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आप लगा सकते हैं। मेरे पास ओप्पो का F17 प्रो है, तो आपके पास अगर कोई भी है, ओप्पो है या रियलमी है, ये सभी में सेम ऑप्शन आपको करनी है। तो सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में, तो यहाँ से आपने चैट फॉन्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, 8.5 MB की ये एप्लीकेशन होगी, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल होने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर आपने जाना है लैंग्वेज एंड रीजन में। यहाँ पे आपने इंडिया से चेंज करके म्यांमार कर लेना है, तो आपने रीजन चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से टाइमिंग चेंज हो गई है, जो आपका करंट टाइम चल रहा है वो चेंज हो गया। तो आपने फिर डेट एंड टाइम में जाना है, जो ऑटोमेटिक टाइम होता है उसे एक बार ऑफ करके ऑन कर देना है, तो जो राइट टाइम होगा वो आपकी शो हो जाएगा आपको। तो फिर आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपने जो चैट फॉन्ट डाउनलोड किया था उसे आपने ओपन करना है और परमिशन दे देनी है। आपने यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिख रही है इन्हें क्लोज कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह के फॉन्ट स्टाइल दिख जाएंगे। जैसे एक कलरफुल फॉन्ट स्टाइल है इतने सारे, तो मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ। आपने क्लिक करना है, आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की, आपने डाउनलोड कर लेना है। थोड़ी एड्स आएंगी तो वो देखने के बाद आप क्लोज कर दीजिए। तो उसके बाद सेट की ऑप्शन आएगी, सेट में सेट क्लिक करने के बाद ओप्पो एंड रियलमी सेलेक्ट कर लेना है और सपोर्ट दाई करेक्टर पर क्लिक करना है उसके बाद, और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी सेटिंग की ऑप्शन भी खुल जाएगी। पहले अलाउ कर देने परमिशन में, जो परमिशन मांग रहा है, और इंस्टॉल करेंगे आप तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगी चेंज फॉन्ट की, आपने चेंज फॉन्ट पे क्लिक करना है। चेंज फॉन्ट पे जाने के बाद आपकी सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग आपने ओपन करनी है। सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगी नीचे, सपोर्ट दाई करेक्टर, आपने इसे ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे आप देखेंगे जो आपका फॉन्ट स्टाइल था वो आपके उसमें इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने कलरफुल फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया था तो ये इंस्टॉल हो गया, लग गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फॉन्ट स्टाइल है। तो आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ से, आप किसी और को अगर लगाना चाहते, कोई और आपका पसंद फॉन्ट स्टाइल है, आप उसे सेलेक्ट करिए, डाउनलोड करिए, ऐप को आप क्लोज कर दीजिए। सेट पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपने ओप्पो एंड रियलमी सेलेक्ट करना है और सपोर्ट दाई करेक्टर ओके करना है, इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप ये क्लोज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगी चेंज फॉन्ट, फिर आपने दोबारा वहीं जाना है, यहाँ दाई सपोर्ट दाई करेक्टर ऑफ करना है और फिर ऑन कर देना है। तो आप देखेंगे फिर से वो चेंज हो गया है। तो देख सकते हैं आप नया फॉन्ट स्टाइल आपके फ़ोन में। मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ एक बार फिर से, तो ये फॉन्ट स्टाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से इसमें आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक पता है या नहीं, और आपके फ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।